बात बड़े चिल्ला चिल्ला के आजकल कही जाती है कि लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र, मान लीजिए कांग्रेस आज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस पूरे देश में बड़ी बेजान सी हो गई है, तो विकल्प के तौर पे धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बनती दिख रही है, वो उसी लाइन पर चल रही है। आप ये समझिए कि जिस लाइन पर भाजपा चल रही है उसी पर कहीं बहुत पीछे खड़ी हुई है। अब पता नहीं ये गैप कितनी तेजी से कम होने लगे, ज्यादा होने लगे। अभी ये जो दो तीन प्रदेशों के इस साल और फिर कई सारे प्रदेशों में अगले साल इलेक्शन है, उनको लेकर बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि कितना गुजरात में क्या कर सकते हैं, हिमाचल में क्या कर सकते हैं। और एक तो बात तय ही लग रही है कि गुजरात इलेक्शन के बाद हो सकता है, अगर ये वोट प्रतिशत अपना 6% पा जाते हैं, तो एक जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता है उसको तो ये ले ही लेंगे। तो ये जो खतरे में है और ये उसमें है, राजनीति क्या है आप समझिए, भाजपा शीर्ष की तरफ जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विकल्प नहीं बन रही तो कोई और विकल्प नहीं बनेगा, विकल्प बनते रहते हैं, चीजें बनती रहती है। और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, अब इसमें कोई एक, आप एक चीज समझिए, भाजपा का कहना है कि आबकारी नीति में गड़बड़ियां है, और आबकारी मतलब जो कानूनी तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, ईडी भी उसमें आ गई है, उनका कहना है कि एजेंसियों का कहना है कि आबकारी नीति में गड़बड़ है। उपराज्यपाल ने जो सीबीआई की मांग की रिपोर्ट भेजी और जो इंटरनली इन्होंने अपनी जांच कराई, उसमें ये हुआ कि बहुत सारी खामियां है, आबकारी नीति गलत है। लेकिन जब मीडिया के सामने मनीष सिसोदिया आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, तो आबकारी नीति पर बात नहीं करते। उनका कहना यह है कि हमारी एजुकेशन का जो मॉडल है, इसके अलावा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हम इस देश में एक नई तरह की चीज दे रहे हैं, आम आदमी को राहत दे रहे हैं, सीधे लाभ की बातें कर रहे हैं, और हम एजुकेशन और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, उससे घबरा गए हैं लोग। तो ऐसा नहीं है केवल भाजपा, वो भी तो अपनी राजनीति में, उनको पता है कि अगर आपको कदम दर कदम बढ़ना है तो आप इस पे बात मत करिए आबकारी पे, इस पर स्पष्टीकरण भी मत दीजिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है कि आपको वहां लाके खड़ा करेगा कि हम तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, स्पष्टीकरण राजनीति में दिए नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, बोले कि हमारे जो काम करने का तरीका, हमारा मॉडल जो है, जनता को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसको भाजपा संकट में लाती हुई दिख रही है, भाजपा चिंता में है, इसीलिए हम पे ये काम कर रहे हैं, और वो उसकी बात नहीं करते कि इनका एजुकेशन का मॉडल क्या है या फिर इनका हेल्थ का सिस्टम क्या है। उनका कहना है, बोले कि ये तो सब बेकार है, लेकिन वो बात करते हैं आबकारी नीति पर, वो बात करते हैं, बोले कि दुनिया के अखबार, अगर दिल्ली के, दिल्ली सरकार की एजुकेशन मॉडल को, एजुकेशन सिस्टम को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया, स्कूल सुधार दिए कर दिए, तो दुनिया के अखबार उसको छाप रहे, तो आबकारी नीति को भी छापे, आबकारी नीति पे भी देखे क्या है। तो ये विशुद्ध राजनीतिक चीजें है, और ये भी एक पॉलिटिकल ही प्रोपेगेंडा है कि हमें तोड़ रहे हैं और हमें वो कर रहे हैं। राहुल, ठीक है श्रीकांत जी, आपने पूरी तकरीर सुनी योगी जी की। जो कहना चाह रहे थे उसका भाव मैं निकाल पाऊं तो उन्होंने कहा वो राजनीति जैसे बीजेपी। तो मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा और खुल के बोल देता हूँ, जैसे मोदी और शाह जी के जो फॉर्मेट है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो इसका मतलब, अगर उस पर अगर आप किसी भी रूप में स्वीकार कर लोगे या एक्शन ले लोगे तो इसका मतलब ही एक्सेप्टेंस है। तो वो उनके डिक्शनरी का वर्ड उनकी राजनीति फॉर्मेट का नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। दूसरी बात कही कि जैसे वो करते हैं तो मतलब बात आप लद्दाख की करोगे तो वो कह देंगे साहब देखो ये दुश्मन देश का जो है सेना का मनोबल गिराते हैं। तो तू डाल डाल में पात पात, बिल्कुल जैसा। क्यों श्रीकांत जी, अनम्यूट कर लीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।